यारो, सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद उनकी बॉडी को तिकरी शहर के उस विलेज में पहुंचा दिया गया था जहां उनकी पैदाइश हुई थी, और वहां पर उनकी बॉडी को दफनाकर उसके ऊपर एक मकबरा भी बनवा दिया गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इराक के ज्यादातर लोगों का मानना है कि सद्दाम हुसैन की बॉडी अब उनके मकबरे में मौजूद नहीं है, मगर ये बॉडी किसने निकाली इस बारे में कई बातें की जाती हैं, जिनमें से कुछ लोगों का मानना है कि एक शिया संगठन जो सद्दाम हुसैन से हद से ज्यादा नफरत करता था, उसने मकबरे पर हमला करके उनकी बॉडी को वहां से गायब कर दिया है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है, जब सन 2015 के करीब इराक की फौज और ISIS के बीच लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई में सद्दाम हुसैन के मकबरे को भी तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी लाश भी उनकी कब्र से गायब हो गई थी। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि सद्दाम हुसैन की बॉडी उनके किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी हाला के, जो जॉर्डन में रहती है, वो चुपके से अपने वालिद की कब्र से उनकी वाकयात को निकाल कर अपने साथ जॉर्डन ले गई थी। वैसे यारो, आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।